कौन सा सेट ऐसे खराब हो गया था कि भाई मैं गाड़ी ना बहुत ज्यादा धोता था, तो टोटल खर्चा मेरा मिला के 2199 रुपए का मेरा बिल बना था। ऑयल चेंज हुआ, इंजन में जो फिल्टर लगता है BS6 की हर गाड़ियों में लगता है, हर चुकी है 10,028 किलोमीटर चल चुकी है, और इसमें लगाना है जैसे कि आप देख सकते हैं ये इसमें इस तरीके से लगाओ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विक्की ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं अपनी R15 की थर्ड सर्विस करवा के आया हूं, जिसके बारे में मैं आज बताऊंगा कि मैंने क्या करवाया। जैसे कि तो गाइस बात करते हैं इंजन की, तो सबसे पहले इंजन के बाद बात करता हूँ। तो मेरा जो सर्विस हुआ था जिसमें इंजन ऑयल चेंज हुआ था और चैन लूप वगैरह हुई थी, जो कि मैंने नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि भाई मेरे पास ना घर पे ही लूप का सामान पड़ा हुआ था, तो चैन क्लीन और लूप मैं घर पे ही कर लेता था। और अब बात करते हैं जैसे कि इसके हैंडल के बारे में, जो मेरे को दिक्कत आ रही थी इसमें। तो हैंडल में क्या हुआ था, इसका ना कॉइनसेंट चेंज हुआ है। क्यों हुआ है वो मैं बता देता हूँ। एक बार मेरे साथ हुआ था एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट में क्या हुआ था, मेरी जब गाड़ी गिरी थी ना, तो इसका हैंडल थोड़ा चला ही गया था, टेढ़ा हो गया था, जो कि मैंने इसको मेजर मतलब मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मतलब बाइक के जब हैंडल चला रहे थे तो आपको कोई दिक्कत आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था गिर जा रही है, क्या हो रहा था? एक्चुअली क्या हो रहा था कि मेरी ना गाड़ी एक तरफ को टाइट हो जा रही थी, हैंडल जो था वो हैंडल एक तरफ को टाइट हो जा रहा था, जैसे मोड़ रहा था तो एक तरफ को ना ऐसे लग रहा था कि पकड़ लिया है हैंडल किसी ने, और मैं ज़बरदस्ती उसको छुड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस कारण टाइट हो गया था वो। और वो क्यों हुआ था, क्योंकि मेरी बाइक गिर गई थी, और जब गिरी थी तो मैंने इसको दिया था हैंडल ठीक करने के लिए दिया था, तो उसमें ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने बोला कि ग्रीसिंग वगैरह की दिक्कत आ रही है, तो एक बार ग्रीसिंग करके देख लेते हैं। तो ग्रीसिंग करवा के भी मैंने देखा, उसमें मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब काम नहीं कर रहा था हैंडल सही से। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई आप अपनी गाड़ी में ना कॉन्सेंट चेंज करवाओ, तो मैंने कॉन्सेंट चेंज करवाया, तो वो मुझे कुछ 900 रुपये के समथिंग पड़ा था। तो बिल अटैच कर देना ना, बिल अटैच कर दूंगा मैं, वो आप बिल में देख लेना कि कितना कॉस्ट लगा हैंडल का। और नॉर्मल जो सर्विस हुई थी, जैसे इंजन ऑयल चेंज हुआ, इंजन में जो फिल्टर लगता है BS6 की हर गाड़ियों में लगता है, हर सर्विस पे ही मुझे चेंज करवाना पड़ा। मैंने 3 बार सर्विस कराई है और तीनों बार ही मुझको चेंज करवाना पड़ा। कि जैसे चैन के बारे में, तो वो चैन लूप करते हैं ना, तो भाई उसके 200 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, और 200 रुपये में ना मेरा चैन का पूरा दोनों सेट आ जाता है, चैन क्लीनर भी आता है और चैन लूप भी, दोनों 200 रुपये के अंडर में आ जाता है। तो मैंने कहा ये एक बार करेंगे 200 रुपये लग जाएगा, और मैं अपने घर पर ही कर लूँगा, तो 200 रुपये में मैं 3-4 बारी के आसपास कर लेता हूँ, इसलिए मैंने वो नहीं करवाया, जो कि वो मेरे बिल में नहीं हुआ। उसे तो वो कह रहे थे कि भाई होगा, ये करवाना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं करवाया। और बात कर लेते हैं वॉशिंग वगैरह की, तो वॉशिंग वगैरह भी मैंने करवाई थी, तो ये तो नॉर्मल ही सी चीज़ होगी। ख़राब कैसे हो गया था आपका? कौन सेट ऐसे ख़राब हो गया था कि भाई मैं गाड़ी ना बहुत ज़्यादा धोता था, और धोता किस लिए था, क्योंकि मुझे ना भाई साफ़ सुथरी गाड़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी को हमेशा साफ़ सुथरा रखने के चक्कर में इसको ना डेली धो देता था, तो जिस कारण मेरे कई जगह मेरी गाड़ी के अंदर ना, जैसे बाहर से तो आपको नहीं लगेगा कि इसके अंदर मतलब जंग लगा है, पर अंदरूनी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके अंदर जंग लग गया था, तो मेरे हैंडल के भी अंदर जंग लग गया था। चाहे एक कारण ये भी बोल सकते हो कि भाई धोने की वजह से हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि धोने की वजह से वो हुआ। मेरे को लग रहा है कि धोने की वजह से हुआ है, ये भी हो सकता है कि धोने की वजह से भी हुआ। पूरा जंग लगा हुआ था भाई, आपने क्लिप ऐड कर दूंगा जिसमें इसका हैंडल के बारे में जो डला है। अच्छा, इसके अंदर भी जंग लग गया? ये सारे में जंग लग रहा है ना। हाँ, इसके कलर देखो कैसा हो गया, कलर ब्राउन ब्राउन सा हो गया कलर इसका, इसी वजह से टाइट घूम रही है, टाइट भाग रही है। चलो कोई नहीं, करो ग्रेशन, एक साइड को खींचेगी तो एक ही साइड को जाएगी बस। क्या चीज? अगर एक साइड को जाएगी खींचे मोड़ोगे तो एक ही साइड को खींच के जाएगी। हाँ, अटक जाती है, जंग लग गया भाई, तो थोड़ा बीच बीच में इसको पैम्पर करना पड़ता है। वो चीज़ डली थी मेरी गाड़ी के अंदर, और नॉर्मल सी सर्विस हुई थी, तो नॉर्मल सी जो सर्विस हुई थी वो मेरी कुछ 1100 के आसपास हुई थी, तो टोटल खर्चा मेरा मिला के 2199 रुपये का मेरा बिल बना था। वो बिल मैं आपको दिखा दूँ, और अगर आप R15 हो तो भाई इतना तो आपको कॉस्ट झेलना ही पड़ेगा। और मैं यही दिखा देता हूँ कि मेरी गाड़ी 10,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, तो मेरी गाड़ी चल चुकी है 10,028 किलोमीटर
चल चुकी है, तो इसकी थर्ड सर्विस जो आपको पड़ेगी वो 10,000 किलोमीटर पे पड़ती है। लोग 11,000 पे भी करवाते हैं, बट मैंने थोड़ा ना पहले ही करवा लिया। क्यों करवा लिया कि थोड़ा पहले रहेगा तो सही है, और मुझे अभी तक 10,000 किलोमीटर पे चलाने के बाद भी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं लगी। जैसे हैंडल वाइब्रेशन हो गया या आवाज़ हो गई या किसी तरीके की खटपट हो गई, और 10,000 किलोमीटर पे चलने के बावजूद भी मेरा अभी चैन सेट ख़राब नहीं हुआ है, चैन सेट मेरा वही चल रहा है। और अभी जहाँ तक कि मुझे लगता है 4,000-5,000 किलोमीटर और मेरा चैन सेट चल जाएगा। तो भाई जहाँ तक कि देखा जाए मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस गाड़ी के साथ सही रहा है, और मेरा अभी टायर भी नहीं घिसा है, जो कि R15 का टायर जो 10,000 किलोमीटर के अप्रोच घिस जाता है। वो आपके ऊपर चलाने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चलाते हो, किस तरह की ब्रेक मारते हो, या आप गाड़ी स्लिप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो भाई अगर आप स्लिप करोगे तो आपका खर्चा बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ तक कि जहाँ तो गाइज जहाँ इसके अगर मैं टायर की बात करूँ तो 4,000-5,000 तक का इसका टायर आ जाता है। MRF का ले लो या मिचलेन का ले लोगे तो 1,000-2,000 रुपये की कोस्ट और आपकी बढ़ जाएगी। अपोलो में भी यही है कि 1,000-2,000 रुपये आपका बढ़ जाएगा। तो इसी कारण मेरा अभी टायर सही चल रहा है, जिस कारण मैंने अपना 2,000-4,000 रुपये अभी तक बचा लिया है। तो और भी तो लगाया आपने, हजार्ड का भी कुछ लगाया था? हाँ भाई, मैंने ये हजार्ड लगवा रखा है। मैं चला के दिखा देता हूँ। कितने का लगवाया था भाई ये? मुझे कुछ 1800 के अप्रोस बताया था, पर जो मेरा लगा था ये 14 या 15 के आसपास लगा हुआ था। तो ये मेरे इंडिकेटर स्विच वाला नहीं है ना, वो स्विच वाला नहीं है ना जो अलग से स्विच लगाना पड़ता है? नहीं नहीं, स्विच वाला नहीं है गाइस। मैंने हजार्ड भी लगवाया था, प्लग एंड प्ले, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे लगाया था। और अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे जो इंडिकेटर जो पीछे के जल रहे हैं वो कितने सेक्सी लग रहे हैं। मुझे तो सेक्सी लगते हैं गाइस, अगर आप लोगों को भी सेक्सी लग रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके यार जरूर बताया करो, क्योंकि इतना पैसा लगाया है और कोई कमेंट या तारीफ ना करे ना तो भाई अच्छा नहीं लगता है। बाकी आप लोग खुद अपने सामने देख सकते हैं, और मैंने आगे के भी इंडिकेटर चेंज करवा रखे हैं गाइस। मैंने इसमें LED लाइट भी लगवा रखी है। अगर आपको इसकी प्रॉपर वीडियो देखनी हो कि मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखी है तो वो मेरे ब्लॉग में हैगी, आप सर्च मार के देख सकते हैं कि मैंने कितना मतलब मॉडिफिकेशन वगैरह करा रखा है। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी गाड़ी में पीछे जो प्लग एंड प्ले वाला हजार्ड लगा है वो किस तरीके से लगा हुआ है। इसकी एक कहानी बता देता हूँ। जो मैंने हजार्ड लगवाया था, मैंने हजार्ड मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, ऑनलाइन मंगवाया था, जो परचेस किया था, तो वो स्विच वाला उन्होंने मुझे दे दिया था। और स्विच वाले में क्या प्रॉब्लम आती है कि भाई उसका ना एक अलग से स्विच लगाना पड़ता है और बहुत दिक्कत होती है, इधर हाथ वाथ करके उसको करना पड़ता है, और गाड़ी में भी ना थोड़ा भद्दा सा लगता है कि यार एक चीज़ अलग सी बटन सी कुछ अजीब सी लगती है, तो वो मुझे चीज़ पसंद नहीं है। तो मैंने वो वापस करके अपने अंशुल मेहता है कस्टम मोटम शॉप रोहनी में, मैंने वहाँ से लिया प्लग एंड प्ले वाला। और गाइस अगर इसका प्रॉपर वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में बता देना, मैं वो भी बना दूंगा, जिसके वजह से आपके 150 रुपये बच सकते हैं। वो क्यों बच सकते हैं मैं बता देता हूँ। जब मैं ये हजार लेके आया तो मैं घर पे लगा रहा था गाइस, तो नहीं लगा। मैंने कई बार यूट्यूब पे भी सर्च मारा कि इसको कैसे लगाते हैं, पर मुझे कोई प्रॉपर वीडियो ऐसी आराम से नहीं मिली कि जिसके कारण मैं देख के इसको खुद लगा सकूं। बट मैंने एक दो बार ट्राई किया, वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मैं इसको घूम के अपने इलाके में कई जगह चेक किया तो भाई कोई नहीं लगा पाया। फिर यही मैं लेके गया करोल बाग में, 2-4 दुकान ढूंढी तो वहाँ पे भाई सब 200 रुपये मांग रहे थे लगाने के, खाली सिर्फ एक मिनट का काम था और 200 रुपये मांग रहे थे। तो मैंने एक दो जगह दुकान ढूंढी, फिर लक्की भाई को फ़ोन किया, लक्की भाई ने एक दुकान बताई, वहाँ गया, उसने भी बोला कि भाई 200 रुपये लगेंगे, बट मैंने लक्की भाई का नाम लिया तो उनने मेरे को 150 रुपये में लगा के दे दिया। और फिर ये लगाने के बाद अभी तक बढ़िया काम चल रहा है। और मैं एक तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि बहुत लोगों को नहीं पता है। एक्चुअली क्या है, यमहा में तो हजार्ड जैसे इसमें मिल जाता है आपको, बाकी किसी गाड़ियों में हजार्ड आपको नहीं मिलता नॉर्मल से स्विच में। तो पहले क्या होता है, इसको आप करोगे राइट, फिर करोगे लेफ्ट, फिर बीच में दबाओगे, उसके बाद ये अपनी खूबियाँ दिखाने लगेगा। तो इसमें कम से कम 30-35 अप्रोच आपको इसमें चेंज करने के सिस्टम मिल जाएंगे। तो फिर अब इसमें ये मैं बता देता हूँ कि मेरा ये सिर्फ इसी से काम हो जाता है। मुझे एक बार इधर करके इधर करना है, इधर करके इधर करना है, तो ये हर बार अपना कलर चेंज करता है, जैसे गिरगिट करता है ना उस तरीके से ये अपना रंग चेंज करता है। तो मैं एक बार आपको जला के भी दिखा देता हूँ। अब मैं आपको प्रॉपर जला के दिखाता हूँ कि कैसे जलता है। पहले लगाएंगे हम चाबी, ये एक नॉर्मल सा प्रोसेस है जो सबको आता है। तो इसको हमने किया स्टार्ट, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये किया राइट, ये किया लेफ्ट, और ये कर दिया बीच में, तो ये अपने इंडिकेटर इस तरीके से जलने लग गए। तो ये था
तो गाइस पहला तो ये था कि जैसे लेफ्ट राइट किया आपने, ये हो गया, जिस गाड़ियों में 1000 ये बटन नहीं आता उस गाड़ियों में इससे आप बार बार चेंज करोगे। बट R15 आपको ये 1000 का बटन यहाँ पे भी देता है, तो ये नॉर्मल सा दूसरा प्रोसेस है। तो गाइस आप इसको ऑन करके फिर ऑफ करेंगे तो ये अपना कलर चेंज कर देगा, जैसे कि आप देख रहे हो चेंज हो गया। अब ये फिर एक और बार चेंज हो गया, फिर मैंने ऑन किया, फिर ऑफ किया, फिर ये एक बार चेंज हो गया। तो करीबन ऐसी 30-35 सिस्टम की तरह ये चेंज होता रहता है। गाइस मैंने आपको दोनों चीज़ बता दिया, एक अपनी सर्विस के भी बारे में बता दिया और 1000 के भी बारे में बता दिया। और आपको अगर इस 1000 के ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट डाउन में कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं स्पेशल इसके लिए वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा और एकदम सरल तरीके से कि कैसे इसको लगाना है, जिस कारण आपके 150 रुपये बच सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइज, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मेरा वॉचिंग टाइम करवा दो भाई लोग, आपसे विनती है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय एंड टिल एंड टेक केयर, लक्की भाई का डालो।